चलो फटाफट आ जाओ आप। क्विक पास अभी तक तुम लोग आए नहीं हो। फास्ट Just passed. You all are late. अब जरा आते रहना, बाकी अब हम अपना शुरू करें। ये हम 31 तक पढ़ा चुके थे, याद होगा। Good morning to all of you, and now let us start from question number 32. तो अपना अपना क्वेश्चन उलट के रखो। Past देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 सभी के पास है, क्योंकि जो बचा हुआ था और पहले ही ऑलरेडी मिल चुका था, फिर भी हमने जो सब डिमांड किए थे सबको भेज दिए थे, उसके बावजूद जबकि पहले से था। तो देख लो, कहता है हाफ लाइफ जो है वह जो है उसमें हाफ लाइफ 32 कि क्वेश्चन नंबर कहता है हाफ लाइफ दिया हुआ है एक्स, तो 3/4 लाइफ बताने के लिए, मतलब 50% का टाइम दिया हुआ है, और 3/4 मतलब 75% का T50 मतलब 50% समाप्त होने का टाइम एक्स है, और 75% का वाई है, तो एक्स और वाई में डिफरेंस बताना है, माने रिलेशन नॉट डिफरेंस। 50% समाप्त होने में एक्स समय लगता है, तो 3/4 75% समाप्त होने में
वाई लगता है तो एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए तुम मेरा पहले वाला रिवीजन जो इसी में दिए थे वो देख लेना कॉपी में, वो मिल जाएगा जिसमें 0.10.005 10 लाइक वही है, इसलिए वही चेक करना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, इसलिए हमने जो है 32 में आया है। सेम होगा तो थोड़ा सा हिंट देंगे, कोशिश करो। अब नहीं कोशिश करोगे क्या बात है, इतना बार पढ़ने के बावजूद भी कोशिश नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। फिलहाल टाइम दोनों के एक्स और वाई के बीच रिलेशन बहुत ही इजी, एक मार्क्स का क्वेश्चन और इतना वक्त लगाते हो, 50% समाप्त होने में टाइम लगा एक्स, 75 समाप्त होने में वाई लगा है, नहीं बना। कोशिश नहीं करते हो, अब कब कोशिश करोगे सो पहले बताओ। मतलब अगस्त भी इतना दिन निकल गया, पढ़ाई भी इतना आगे बढ़ गया, इतना बार हो चुका, देख इधर 50% समाप्त होने में, मतलब सपोज करो कि हमने 100 ग्राम लिया, 50% 50 ग्राम होने में हमको एक्स मिनट लगा, फिर इसका 50% समाप्त होने में फिर एक्स मिनट लगेगा, तो 75% समाप्त होने में हमको लगा एक्स प्लस 2x, जबकि 75% समाप्त होने में करता है वाई लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई है, बताओ आया समझ में क्लियर, कैसे कैसे लगा दिए तुम लोग जो है x इज इक्वल टू 2/3y नहीं होगा, बताओ कैसे निकाल दिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथ की स्टूडेंट हो है फिर भी तुमको गड़बड़ हो गया, 75/3/4 मतलब 75% समाप्त होने में जो समय लगता है वो y कहता है, गड़बड़ हो गया था, देख लो इतना देर में समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, टू मार्क्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वेरिएशन इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वर्सेस टाइम प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, बताओ। अच्छा क्या हुआ प्रगति, नहीं समझ में आया, 32 बताओ, 50% समाप्त होने में एक्स लगता है टाइम, 75% समाप्त होने में वाई लगता है, मतलब एक बार 50 100 से ले लो, 50 होने में एक्स टाइम लगा,
फिर अगला उसका 50 होने में अगेन नेक्स्ट टाइम लगेगा, इसका मतलब टोटल टाइम लगा 75% समाप्त होने में x प्लस x। देखो उस पर 2x लगा, जो कि कहता है y के बराबर होता है, तो 2x इज इक्वल टू y कहो या x इज इक्वल टू y बाय 2 कहो। आया प्रगति समझ में कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट और टाइम के साथ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, रिएक्टेंट घटते जा रहा है और डायरेक्ट जा रहा है। इसी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है? क्लियर? हो गया है? ग्राफ को देख के, ग्राफ छोड़ो, ग्राफ हो या नहीं हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्टेंट और टाइम के बीच, रिएक्टेंट घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है स्मूथली, रिएक्टेंट का स्क्वायर नहीं है, रिएक्टेंट है, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आता है, तुम लोग जो है भरोसे रहते हो कि मैं पढ़ाऊं, थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो। 34 में पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये तो पढ़ा दिए हैं, ये तो सो डैट ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। 99% समाप्त होने में जो टाइम लगता है 90% का डबल, ये तो आईजीटी पढ़ा दिए हैं, देख लो। क्लियर? डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, द टाइम टेकन टू गो टू 50% कंप्लीशन। अब देख लो, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो तुम्हारा दिया हुआ है 0.693 बाय के, ये जीरो ऑर्डर का कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑर्डर तो तुम्हारे पास हो गया, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ अरे सर्वेंद्र तू कहाँ, 131 में लटका हुआ है, हम 35 पहुंच गए, तू 31 में लटका हुआ है, बताओ। हम 35 बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, बताओ। देख इधर, डायरेक्ट सिद्धांत होता है नेक्स्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ही सिखाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर, उसमें जो भी वैज्ञानिक करोगे बैठा सकते हो, पुट कर सकते हो वैल्यू, पेज कर दो 2.303 या कि आप ले लो, डायरेक्टर कि आप लेते हैं
किया 0.693 बाय के इनटू 1/20 को लिख दो और ये कैसे किया तो है तुम्हारे पास 0.693 बाय के होता है कितना लिख लोगे तो क्या हो जाएगा सवाल गौर करके देख लो अब जो है तुम इसको किया any constant into 1-1 first order k1 या k dash 2-1 second order k dash an-1 third order so d directly proportional to a third order अब तुमको कहता है देखो अब तो है के डाय सिक्स के बदले लिखे थे के डाय सिक्स के बदले लिखे ना टी आर के डाय 1-1 अब देखो फर्स्ट ऑर्डर 1-1 जीरो इतना आ जाएगा बेटे जीरो ऑर्डर तो एन की जगह पर जीरो बैठा दो दिया के डैश का वैल्यू पुट करते रहना 0-1 के डैश ए माइनस वन तो के डैश इनटू ए आया समझ में आसान है वैसे तुम्हारे पास कलम और पेन हो कलम और कागज हो तो इस पॉइंट्स को भूल सकते हो तुम लोग तो इसको देख लो हो सकता है भूल सकते हो अब हम थर्टी फोर के बाद चले आगे अब देखें क्या था 35 हो गया 36 चलो हम नोट कर लिए चलो जरा आप 36 की तरफ चले 36 एक बार पढ़ लो एकदम पढ़ो फटाफट और चलो इसको आगे बढ़ते हैं 36 के तरफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2.54 × 10⁻³ तो कहता है कैलकुलेट 3/4 मतलब के वैल्यू दिया हुआ है तो 3/4 का टाइम 3/4 तो समझ में आ गया है बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे थ्री बाई फोर समाप्त होने में मतलब
नहीं पता हो तो एक बार 100% से शुरू किए, 75% समाप्त, 8/8 नहीं होगा। होता क्या है सो देखो, थर्ड फोर्थ मतलब 100 से शुरू किए 75% समाप्त हो गया तो 25 बचा, मतलब 100/30। अब जरा गौर करके देख लो, तुम इसको ये वैल्यू पुट कर दो, एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 36 का, ये दिया हुआ है 2.54 × 10⁻³, 3/4 का समय, मतलब 75% समाप्त होने में जो समय जाएगा। एक बार देखो, ये अगर हम देख ले लो, x 75, a माइनस x 75, b इक्वल टू 2.3 को 3/5 के log 105, 25 4 log 4, 2.303, 2.5 4 के बराबर माइनस 3 log 4 0.6020। ये लगेगा, आया समझ में? आ गया कि नहीं? देख लो, देखो प्रगति चेक करके, आया समझ में? अब जो है, अभी जस्ट पढ़ाए थे, इतना जल्दी तुरंत तुरंत भूलोगे तो हो गया। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SCOOH इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ K, 2.4 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट ए सर्टन टेम्परेचर, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। वही हाल है, 3/4 के का वैल्यू चेंज कर दिया है, के का वैल्यू चेंज कर दिया, के का नोट है, के का देख लो, के का वैल्यू चेंज कर दिया है और फिर 3/4 का निकालने के लिए कहता है, बस के का वैल्यू चेंज कर देना है, 3/4 वही हुआ। आ गया समझ में? अब जो है, कहाँ नेगेटिव में है? नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगा, अगर माने ये तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव में आएगा ही। एक बात देखो, लॉग 0.25 कहता अगर इस मेथड, उसका देने का मतलब ये था कि अगर उस ढंग से आ रहा है, 100 नहीं लो, x लो तो x माइनस 3x by 4 इस ढंग से, तो उसमें 0.25 आएगा। और कहता है तुम, हमने तो तुमको 100 पर दे दिया, हमने तो तुमको 100 पर बनाने के लिए दिए, उन्होंने कहा x से शुरू करो, 3/4 यानी x माइनस 3/4, x by 4, इसने कहा तुमको अगर 0.25 कहा जाए तो log 25/100,
और 25 बाय 100 का मतलब क्या हो जाएगा, log 25 माइनस log 100, log 100 तो माइनस में आ गया, माइनस log 100 तो 100 का 2 हो गया तो माइनस 2, और 25 log 5 पर पावर 2, 2 log 5 माइनस 2, 2 इनटू 0.6990 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। अगर डिसिमल में log लेना है तो आएगा ही नेगेटिव, ये भी नहीं आएगा इतना दिन पढ़ने के बाद, बताओ क्या आएगा। कंसंट्रेशन चाहिए। अब जो है log 38 या log 38 क्वेश्चन 38 in a first order, 38 in a first order reaction, the concentration of the reactant reduced from 0.6 to 0.2 in 5 minutes. Calculate rate constant of the reaction. याद करो, K का वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन घट गया 0.6 से 0.2 इन 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है, के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, क्या लगता है कि तुम लोगों से निकलेगा। कंसंट्रेशन घट के 0.6 से 0.2 हो गया इन 5 मिनट, क्या करोगे। ए 2 0.62 10 ग्राम से 0.6 ग्राम से शुरू किए 0.2 ग्राम हो गया, मतलब हम यदि ए का वैल्यू 0.6 लें तो ए माइनस है 0.2 हो गया, 0.6 से 0.2 हो गया, घटा नहीं देना, ध्यान रखना। हमने 0.6 से शुरू किया, 5 मिनट में 0.2 हो गया, मतलब बच गया 0.2, ये नहीं कि बच गया 0.4, बचा नहीं 0.4, 5 मिनट में हमने लिया, फिर से समझ लो, 5 मिनट में हमने दिया 0.6 शुरुआत, और 5 मिनट में जब हमने चेक किया तो 0.2 हो गया, ए के जगह पर 0.6 लेंगे, ए माइनस एक्स के जगह पर 0.2 लेंगे, टाइम 5 लेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया ये सावधानी रखना है, 0.8 रिड्यूस जो है फ्रॉम 0.6 से 0.2, सतमंदर तुमसे गलती कैसे हो जाता है, हैं कैसे गलती हो जाता है, इंग्लिश का टांग हाथ तोड़ देते हो। 0.6 से शुरू किया, 5 मिनट के बाद हमने देखा 0.2 था, आया समझ में, देखा मतलब बचा हुआ था, इतना जो है गड़बड़ करेगा समझने में सतमंदर। 2
आर फ्रॉम, अगर रहता है 0.6 फ्रॉम 0. कितना, यहाँ तो 100 नहीं है, बचा हुआ है 5 मिनट में हमने देखा इतना बच गया। आया समझ में? अब आ जाओ 38 के बाद 39, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड प्लैटिनम ऑन द सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट के इज 4×10⁻¹। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 टू 0.0654। बोलो कितना होगा, बताओ। चलो करके दिखाओ, पिछले क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था वो मात्र 4 बच्चा भेजा था, तुम लोग करते उठते कुछ नहीं हो, मतलब जो कंफर्म था वही भेजा, जिसको लगा कि आसानी से टाइम पर बन सकता है। बहुत अच्छी बात था कि 30 मिनट तक दिए थे, 20 मिनट में ही सब भेज दिया था, लेकिन आज तो कोई ये नहीं है, आज तो किसी चीज का यूटी नहीं है ना, ये है नहीं ना है। आज हम इसमें लगेगा कि तुम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, उसको देंगे आज, देखते हैं कि दिमाग माग है कि नहीं, नहीं है ना। चलो नोट करते चलो, यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 भेजना है। क्वेश्चन नंबर अभी देखे 3-4 क्वेश्चन 1 आवर का, इसमें एक क्वेश्चन 39 हुआ, खत्म होने के 1 घंटा के अंदर में अगर 3 क्वेश्चन हुआ तो 1 घंटा के अंदर में भेज देना है। देख लेते हैं जिसमें तुम हमको कैलकुलेशन चेक करेंगे, जिसमें लगेगा कि तुम कैलकुलेशन में हेरा फेरी कर सकता है वही देंगे, बाकी सब तो वही है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद ये तुम्हारे पास से भेजना है हमारे पास। अब आ जाओ, यानी तुम्हें 1 घंटा के अंदर में भेजना होगा, और अच्छा नेक्स्ट क्लास है बायो का है, उसके बाद कोई क्लास नहीं है ना। चलो 4 बजे तक का टाइम दिया, 3 से 4 क्वेश्चन देंगे, 4 बजे तक का टाइम मिलेगा, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो उस बीच में तुम खाना वाना खा के निश्चिंत होके बनाना। ओके समझ में आया, 3-4 क्वेश्चन देंगे, 4 बजे तक का टाइम। चलो 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देंगे आज। अगर
भेजे तो जाएगा कंप्लेन। चलो 40 क्वेश्चन नंबर देखो और 41 अभी ये लिख के रख लो, 39 41 और 40 हम बनाते हैं। अब तक और भी देंगे। 39 41 लिख लो। अभी तक दो क्वेश्चन गया है। अभी तक इधर लिख दिया करते हैं 39 41 इस लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे और 40 देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट 420% डीकम्पोजिशन कैलकुलेट हाफ लाइफ मतलब 30% की कंपोज किया 20 मिनट में भी आप निकाला याद होगा बनवाए थे वैल्यू चेंज करके 30% इन 40 मिनट पान किया और इसमें दे दिया 20 मिनट ए 100 एक्स 30 ए माइनस एक्स 70 40 2.90 divided by 3 log 100 by 70 10 ये हो गया 20 log 10 1 minus log 0 by 1 1 1 0 8 4 5 1 9 4 5 1 मतलब 0.15549 और टी आप होता है 2.003 0.3010 बाद से ये से जेंटन से 0.15549 तो टी आप इक्वल टू 20.3010 बार कितना आया समझ में? इस टाइम बनवाए थे तुम्हारा आंसर कैसे निकाल दिए 93.75 मिनट फिर से चेक करो 93.75 मिनट कैसे कर दिए इसका 10 डबल भी रख दो तो 20 गुना 40 होगा उल्टे 40 से कम होगा 10 देखो ना इसका 10 डबल 15 गुना 30 ताकि डबल करोगे तो 20 गुना 40 और 40 से कम ही होगा हाँ कौन सा कैलकुलेशन लगा दिए वो भी अप्रोक्सीमेट 40 मिनट आएगा देख लो क्या होगा ये देख लो ना 70% 30% समाप्त हो गया तो 70% बचा ये 100 लिए 70% क्या हो जाएगा 1 माइनस इतना 1 पॉइंट देख लो गौर करके कौन सा फॉर्मूला लगा दिए Thank you.
और अगर अगर मान लिया हम इसमें ये रिवर्स, तो ये रिवर्स हो गया, तो अगर मान लो ये रिवर्स कर दिया जाए 20% इन 30 मिनट तब बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 100 एक्स 20 ए माइनस एक्स 80 तब बढ़ जाएगा, 30 तक तब बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने ये बनाया था, हमने बनाया है जो बनाए थे वो देखो, हमने जो बनाया है 30% इन 20 मिनट, क्वेश्चन देखो ऊपर में, हमने जो बनाया है उस क्वेश्चन को देखो, याददाश्त ठीक है, और अगर 20% को रिवर्स कर दो 20% इन 30 मिनट तब वैल्यू चेंज होगा, आया समझ में? बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको तुम चेंज कर दो, तुम्हारे पास हमने कहा कि तुम क्वेश्चन बनाए थे 30% अभी सुने थे कि 30% एक्सरसाइज से बनाए थे 30% इन 40 मिनट, तो फाइंड टी हाफ जिसमें 77.7 मिनट निकाले थे, याद है? याद है कि नहीं याद है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, कहते तो उसी ढंग से, अब जो है 41 तो दे दिए हैं, फिर आ गया वही सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट इन 25% डिकम्पोजिशन, 75% में कितना लगेगा बताओ, 20 मिनट लगा 25% समाप्त होने में, तो 75% में कितना लगेगा बताओ, बहुत ही आसान बताओ, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा फॉर्मूला से, देख लो, कैसे बनाया? हाँ, आया समझ में कैसे बनाया? कौन बनाया? अरे फॉर्मूला बैठा के ये 25
चौथा 4 माइनस लॉग 3 बाय लॉग 4 अब देख लो 20 बाय 3 0.60 2.00.4771 by 0.60.20 0.60.20.4771 9421 0.1249. So D is the two. निकालो तो तुम कैसे निकाले थे हैं? तुम कैसे कैलकुलेशन किया सो देख लो, आया समझ में कि नहीं देख लो, क्लियर? आ गया समझ में? अब जो है अब जरा ध्यान से मैं चेक करा देता हूं कौन कौन बना के दिखलाना है। लिख 49 अब जो है चार बना के दिखाना है। वो तो हम भी जानते हैं कि कितना समय आ रहा है, मुझे भी पता है। तुम्हारा कैलकुलेशन चेक कर रहे थे कि तुम लोग कितना इंटेलिजेंट है कि नहीं। तुम लोग जो है पढ़ाई वढ़ाई घर पे नहीं करते हो, सोचते हो गुरुजी बता ही देते हैं, है कि नहीं है?
अब जो है चलो आप जो है तुम्हारा अटेंडेंस हम ले चुके थे, अटेंडेंस जो है हम आज लिखते चल रहे थे कि कितना शुरू में आया कितना लास्ट में, और ये आप बैठ के मिलाएंगे लास्ट में और अभी में अंतर 7 स्टूडेंट का, मतलब स्टार्ट के मैंने 13 से 14 मिनट पर लिए थे चेक और अभी किए, उसमें 7 स्टूडेंट का डिफरेंस चल रहा है, तो कौन सा है वो चेक करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।